नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जो मेरा नया फ्रेंड्स है, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, तो कितने अनुपात में होता है? तो होता है 3:2, मतलब 3 मीटर उसकी लंबाई होती है और 2 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। ये इनकी लंबाइयों का अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो वो प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार, मतलब भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिकंदरा में अकबर की विराट कब्र किससे प्रेरित थी? सिकंदरा में अकबर की विराट कब्र किससे प्रेरित थी? अकबर की कब्र जो कि सिकंदरा में है, तो किससे प्रेरित थी? तो वो थी राजपूत वास्तुकला से। सिकंदरा में अकबर की विराट कब्र राजपूत वास्तुकला से प्रेरित थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी अरबी। अरबी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रवर्तित की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रवर्तित की थी? तो वो थे मेकाले। मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रवर्तित की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला सौरमंडलीय ग्रह है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पंचायत समिति का गठन होता है? पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर होता है? तो होता है ब्लॉक स्तर पर। पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हजार जिलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार जिलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कृषि की आय पर कौन कर लगा सकता है? कृषि की आय पर कौन कर लगा सकता है? तो वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार कृषि की आय पर कर लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस उपकरण का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, यह मल्टीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा अल्टीमीटर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो उपकरण है जिसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है, तो म की जगह अ होगा, अल्टीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है, मल्टीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ग्रह है वरुण। वरुण हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र है साहित्य। साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंजाब में लुधियाना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में लुधियाना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
तो वह हौजरी के लिए, पंजाब में लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो उसका आंसर होगा फ्लेमिंग ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पूरा नाम होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी सतह को कहते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोना। सूर्य की बाहरी सतह को कोरोना कहा जाता है, और सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं, क्रोड। ओके फ्रेंड्स, सूर्य के केंद्र को क्रोड कहा जाता है, और सूर्य की बाहरी सतह को कोरोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो सिद्धांत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है। और परमाणु बम, परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो आपको इसी तरह जीके के वीडियो देखने को मिलेगा। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।